का ही ऐलान का इंतजार हो रहा था और उसके बाद जो बाकी धड़ों में से भी कुछ टिकटों पर ऐलान होना बाकी था वहां पर अब छह मात का खेल शुरू हो गया है। कुछ निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं तो कुछ पाला बदल चुके हैं। कांग्रेस की टिकट कटने पर एक और नेता भावुक हुए हैं, वो हैं आदर्श पाल सिंह। एंड मौके पर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जगाधरी सीट पर आम आदमी पार्टी को भी उम्मीदवार मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में आदर्श पाल सिंह को उतार दिया है। आज वो चंडीगढ़ से निकल के आज फिर हौसला देने के लिए आए, बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने मुझे कभी गलत शिक्षा नहीं दी, वो भी आज आपके बीच में है। आप चाहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। परवेज खान मेरे सहयोगी यमुनानगर से जुड़ के इसी बड़ी खबर पर और जानकारी और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या कहते हैं वहां पर समीकरण। परवेज, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो आदर्श पाल ना सिर्फ भावुक हुए बल्कि बड़ा फैसला भी कर लिया, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या वहां पर चुनावी गणित? बिल्कुल सुरेश, मैं आपको बता दूं कि आदर्श पाल 3 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना था क्योंकि इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में संगठन मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, पार्टी में एक वरिष्ठ पद उनके पास था, लेकिन टिकट की चाहत और खुद इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन पेच यहाँ फंस गया क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा गुट के आदर्श पाल थे तो दूसरी तरफ शैलजा गुट के अक्रम खान थे। दोनों के बीच मुकाबला था, पहली जो लिस्ट थी उसमें सस्पेंस बना हुआ था कि जगाधरी से नाम का ऐलान होगा लेकिन पहली लिस्ट में नहीं आया, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी हुई उसमें भी नाम का ऐलान नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये आसार लग रहे थे कि जैसे ही किसी भी कैंडिडेट का अगर नाम घोषित हो जाता है तो उसमें बगावत के सुर तेज हो जाएंगे। तो जैसे ही देर रात जो है अक्रम खान का नाम जो है उस लिस्ट में आया तो सुबह ही जो है वर्कों के साथ एक मीटिंग आदर्श पाल ने की है। वर्कों के बीच उन्होंने अपनी जो कांग्रेस के साथ जुड़ने की पूरी व्याख्या बताई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेरा जो मन था वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और मैं इलेक्शन कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहता था लेकिन भारी मन से अब मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं और जो है द्वारे से टिकट जो चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। कुछ ही देर बाद वो जगाधरी में नामांकन भी दाखिल करेंगे, इससे पहले वो एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। शुक्रिया परवेज जानकारी के लिए। तो जगाधरी से भावुक हुए हैं, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो फिर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आदर्श पाल सिंह ने कांग्रेस में इससे उम्मीद के साथ गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको टिकट दिलवाएंगे लेकिन इस सीट पर कुमारी सैलजा की चली अक्रम खान को टिकट मिला है और वो चुनाव मैदान में अब आम आदमी पार्टी की सीट पर टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे आदर्श पाल सिंह। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।